आज से कुछ सालों पहले तक दिल्ली अपने लाल किला और इंडिया गेट जैसी जगहों के लिए जाना जाता था। आज दिल्ली अक्षरधाम मंदिर के लिए भी जाना जाता है। जब से यह मंदिर बना है, इसने देश विदेश के लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। अक्षरधाम की खूबसूरती तो तमाम लोगों ने देखी होगी, पर इसकी शुरुआत से आज तक की कहानी से सब शायद वाकिफ नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं अक्षरधाम मंदिर की कहानी। अक्षरधाम मंदिर बनाने का ख्याल योगी जी महाराज को आया था। उन्होंने ही 1968 में पहली बार सोचा था कि यमुना किनारे एक बड़ा सा मंदिर हो। इसकी प्लानिंग को आगे बढ़ाया गया, बहुत थोड़ी ही सही, पर मंदिर बनाने में थोड़ी बहुत प्रगति भी हुई थी कि तभी योगी जी महाराज का निधन हो गया। बहरहाल स्वामी नारायण संप्रदाय के योगी महाराज के इस ख्याल का दिया बुझने नहीं दिया गया और योजना बनती चली गई। इसके बाद योगी जी महाराज के वारिस प्रमुख स्वामी महाराज ने 1971 में योगी जी का सपना एक बार फिर शुरू किया। उन्होंने अपने शिष्यों को ये देखने के लिए भेजा कि दिल्ली में कहां पर उनका मंदिर बन सकता है। शिष्यों ने डीडीए को यह बात बताई और उन्होंने गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में कुछ खाली जगह बताई। आखिर में प्रमुख स्वामी जी को योगी जी की तरह यमुना नदी के पास का इलाका ही पसंद आया। 8 नवंबर 2000 को अक्षरधाम मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया और इसके बाद कई सालों तक काम यूं ही चलता रहा। अक्षरधाम मंदिर के निर्माण ने कई बार सुर्खियां भी बटोरी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इससे यमुना नदी प्रदूषित होगी। आखिर में मंदिर प्रशासन ने सरकार से क्लीयरेंस लेकर काम करना शुरू कर दिया और बेहद तेज गति से इसे पूरा भी किया। जहाँ मंदिर बनना था उस जगह की मिट्टी पक्की नहीं थी, इसलिए बिल्डिंग बनाने का काम थोड़ा मुश्किल था। इसके लिए जमीन पर पहले 15 फीट ऊंचाई तक पत्थर और सीमेंट डाली गई ताकि उसके ऊपर मंदिर बनाया जा सके। साधुओं की एक टीम कंस्ट्रक्शन का सारा काम देख रही थी, क्योंकि वह पहले से ही अनुभवी थे। वह सभी साधु गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर का निर्माण देख चुके थे। हजारों की संख्या में कारीगर और शिल्पकार अक्षरधाम को पूरा करने में लगे हुए थे। 6 नवंबर 2005 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों इस मंदिर की शुरुआत हुई। इस अद्भुत मंदिर को देखने पहले दिन करीब 25,000 मेहमान आए थे। इस मंदिर के अंदर संपूर्ण भारत की प्रसिद्ध वास्तुकलाएं हैं। यहाँ स्थापित भगवान की मूर्तियां भी बेहद सजीव प्रतीत होती है। अक्षरधाम में करीब 234 सजाए हुए खंभे हैं और करीब 20,000 मूर्तियां हैं साधु और आचार्यों की। इसके अंदर 148 असली हाथियों जितनी बड़ी मूर्तियां भी है। अक्षरधाम की असली पहचान है इसमें स्थापित स्वामी नारायण जी की मूर्ति, क्योंकि उन्हें ही यह मंदिर समर्पित है। यहां पर राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण, इन सबकी सजीव मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ पर स्थापित अधिकतर मूर्तियां 5 धातुओं से बनी हुई है, क्योंकि वह हिंदू धर्म के अनुसार बहुत शुभ माने जाते हैं। अपने पहले ही दिन अक्षरधाम मंदिर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। रोजाना बहुत बड़ी संख्या में लोग इस अद्भुत मंदिर को देखने आते हैं। कहते हैं कि आज भी दिल्ली आने वाले 70% टूरिस्ट अक्षरधाम मंदिर का एक चक्कर जरूर लगाते हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान अक्षरधाम मंदिर एक बहुत ही खास आकर्षण का केंद्र बना था। कई देशों के खिलाड़ियों ने अक्षरधाम मंदिर के खूब नज़ारे किए थे। देश का मान बढ़ाने में भी इस मंदिर ने अपना खूब योगदान दिया है। यहाँ आने का सबसे आसान तरीका है मेट्रो। अक्षरधाम मंदिर मेट्रो स्टेशन पर उतर के आप पैदल या फिर ऑटो से मंदिर तक जा सकते हैं। आज अक्षरधाम इतना बड़ा नाम बन चुका है कि दिल्ली की इसके जरिए पहचान होने लगी है। यह वाकई एक अद्भुत और दिलकश मंदिर है। तो दोस्तों, यह था अक्षरधाम मंदिर का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आप अक्षरधाम मंदिर गए हैं या वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।